राम मंदिर निर्माण पर एक भजन हवाओं में हर तरफ था, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और अब यही भजन आपको मेरठ में कई जगह पर सुनने को मिल जाएगा। वजह है अरुण गोविल, बीजेपी से प्रत्याशी अरुण गोविल। जी हाँ, टीवी के यकीनन सबसे ज़्यादा स्थापित किरदार श्री राम के किरदार में अरुण गोविल ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की, वो यकीनन कोई किरदार इससे पहले कभी नहीं कर पाया। आपको बता दें कि अरुण गोविल ने राजनीति में जैसे ही अपना जो करियर है वो शुरू किया है, बीजेपी ने उन्हें मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च 2024 को जब अपने उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत करेंगे, चुनावी अभियान की, तो मेरठ में एक बड़ी रैली, आप कह सकते हैं महामेगा रैली में अरुण गोविल के प्रचार के साथ, यानी कि उनके लिए वोट मांगते हुए, उनका प्रचार करते हुए इस रैली की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के गदगद हैं। उनका कहना है कि भगवान राम के किरदार में अरुण गोविल ने जो ख्याति हासिल की है वो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। हालांकि अरुण गोविल ही कहते हैं कि वो राजनीति जानते ही नहीं हैं, लिहाजा वो राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरठ से हैं, इसलिए वो अपने मेरठ शहर के लिए ही कुछ करना चाहते थे, यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते थे। आपको बता दें कि अरुण गोविल जन्म के बाद लगभग 17-18 साल तक लगातार मेरठ में रहे, उनकी स्कूली शिक्षा मेरठ में हुई, वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में, उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। चार भाई दो बहनें, एक भरा पूरा परिवार, लेकिन अरुण गोविल कुछ अलग करना चाहते थे। आपको बता दें कि तबस्सुम जो है वो उनकी भाभी है, और उनका ये कहना है कि फिल्मों में ब्रेक दिलवाने में तबस्सुम का बड़ा रोल रहा है। विक्रम बेताल में किसी तरह अरुण गोविल ने रोल हासिल किया था, और उसके बाद जब रामानंद सागर श्रीराम के किरदार के लिए ऑडिशंस ले रहे थे तब अरुण गोविल भी पहुंचे, लेकिन रामानंद सागर चाहते थे कि श्रीराम के इस रोल के लिए पूरी तरह से एक नया चेहरा, जिसे लेकर के लोगों के मन में पहले से किसी तरह की कोई परसेप्शन ना हो, जो पूरी तरह से फ्रेश हो, वही इस रोल में आए। लेकिन अरुण गोविल ने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो संवाद अदायगी थी, उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, और कुल मिलाकर के उनका जो पूरा व्यक्तित्व था, जो ऑरा था उस वक्त, वो ऐसा निकल कर आया कि बस उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। और फिर वो बन गए इंडियन टीवी के, और इनफैक्ट सिनेमा के भी, अगर आप कलेक्टिवली देखें, श्रीराम के का किरदार निभाने वाले वो चेहरे जिसे कभी कोई बदल नहीं पाया, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, वैसी ख्याति उस किरदार से, वैसे अभिभूत होने की जो क्षमता है वो हमने कभी किसी और किरदार में नहीं देखी। दर्जनों लोगों ने उसके बाद श्रीराम का किरदार निभाया, लेकिन श्रीराम के तौर पर जाने जाते हैं सिर्फ अरुण गोविल। वो कहते हैं कि जब लोग मेरे पैर छूते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो आस्था को नमन कर रहे हैं, वो मेरे स्वरूप में भगवान श्री राम को देख रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस चीज़ को लेकर के कभी कभी काफ़ी असहजता होती है, लेकिन फिर मैं उनकी आस्था को देखता हूँ। अरुण गोविल के आने से यहाँ बीजेपी के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होती दिखती हैं, हालांकि बीजेपी लगातार देखा जाए 3 बार से ये सीट जीतती आ रही है, लिहाजा जो राजनीतिक ज़मीन है वो पहले से मजबूत है। लेकिन अरुण गोविल के आने से ये बन चुकी है स्टार कैंडिडेट की सीट, जो लगातार चर्चा में है। खुद अगर अरुण गोविल की बात करें, अगर आप वोट पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो वैश्य समाज से आते हैं, उस लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि अगर अरुण गोविल ये कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि वो भगवान श्री राम और उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लिहाजा वो समाज के हर तबके को साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि वो सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, क्योंकि वो राजनीति करना जानते नहीं हैं, वो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। अरुण गोविल अभिनेता के तौर पर भी बेहद सादगी भरा जीवन जीते रहे, और अब जब राजनीति में आए हैं तब भी वो इस बात के साथ आए हैं कि वो बहुत सादगी भरे तरीके से जनता की सेवा करेंगे। और हम ये जानते हैं कि राजनीति का जो जीवन है वो काफ़ी उहापोह से भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि भगवान श्री राम की विशेष कृपा लगातार रही है अरुण गोविल के साथ, तो उम्मीद यही करते हैं कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो भी उतनी ही सफल रहेगी।
तो इस स्टार कैंडिडेट को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।